नमस्ते मॉमीज एंड डैडीज, मेरा नाम है आंचल। वेलकम टू मॉम टेल्स। इस चैनल में हम बात करते हैं बेबी केयर, मदरहुड, लाइफस्टाइल और बहुत सारी मॉमी टॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जब हमारे छोटे से बच्चे को फीवर हो जाता है, स्पेशली अगर उसे हाई फीवर हुआ है, तो हम एज अ पेरेंट इतना परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बहुत पेन में होता है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होता है। टिपिकली कोई भी फीवर 3 से 4 दिन तो लेता ही है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। बट उस दौरान आपको बच्चे का घर पे कैसे ख्याल रखना है, उसको कैसे काम फील कराना है, आज हम यही जानेंगे। 102 डिग्री से ऊपर अगर बच्चे को फीवर है तो वो हाई फीवर में कंसिडर किया जाता है। तो एज अ पेरेंट हम ये सोचते हैं कि हम बच्चे को बहुत सारी लेयर्स पहना दें, उसे टोपी पहना दें, सॉक्स पहना दें, ग्लव्स पहना दें, बेसिकली उसे कपड़ों से ओवरलोड कर दें ताकि उसे ठंड ना लगे। और ये तरीका बिल्कुल गलत है। उसे ऑलरेडी हाई फीवर है, बॉडी उसकी गर्म है, और हम ऊपर से और ज़्यादा गर्म कपड़ों से उसे अगर ओवरलोड कर देंगे तो हम हीट को ट्रैप कर रहे हैं। हमें उसकी बॉडी को ब्रीदेबल बनाना है, उसे लाइट कपड़े पहनाकर या अगर ठंड का टाइम है थोड़े से वार्म कपड़े पहनाएं, बट ओवरलोड बिल्कुल भी ना करें। और अगर समर्स का टाइम है तो आप बच्चे को अनड्रेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, बॉडी की हीट बाहर निकलेगी और टेम्परेचर बच्चे का अपने आप नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि बच्चे को आप जिस रूम में रख रहे हैं वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो। अगर समर्स का टाइम है तो 1 या 2 पे आप फैन चला सकते हैं, और अगर एसी चला रहे हैं तो एसी का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्रीज तक रखिए। बच्चे को बुखार है और हम ये सोचते हैं कि हम फैन बंद कर दें, एसी बंद कर दें, उससे उसका बुखार उतरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी बॉडी में जो हीट ट्रैप हुई है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में अगर आप रखेंगे उसी से बाहर निकलेगी, उससे वो रिलैक्स फील भी करेगा। नेक्स्ट आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि हाई फीवर में आपने बच्चे को मेडिकेशन तो दे दी बट फिर भी उसका बुखार नहीं टूट रहा है, आए जा रहा है, तो बच्चे को स्पॉन्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पॉन्ज करने से ये होगा कि जो भी उसकी बॉडी में हीट ट्रैप हुई है वो निकलने में मदद मिलेगी। और स्पॉन्ज आपको ल्यूक वार्म वाटर से ही करना है, स्पेशली फोरहेड, नेक वाला एरिया, बच्चे का जेनिटल एरियाज, इनको स्पॉन्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे बच्चे का बुखार उतर सके। आपने बच्चे को स्पॉन्ज किया, उसके बाद उसके हाथ पैर बिल्कुल भी कवर मत कीजिए, हीट को बाहर निकलने दीजिए जिससे टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल हो जाए। स्पॉन्ज करने के टाइम पे आपको फैन बिल्कुल बंद रखना है, और अगर स्पॉन्ज करते करते बच्चा कांप रहा है, उसे कपकपी हो रही है, दैट मीन्स उस वक्त उसे स्पॉन्ज की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्पॉन्ज को रोक दीजिए थोड़ी देर बाद। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे स्पॉन्ज नहीं कराते तो आप हाथ में हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेके बच्चे की बॉडी में ऐसे पैट कर सकते हैं, टैप टैप करके उनकी बॉडी पे पानी को लगा सकते हैं जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपको जो सुटेबल हो आप वो करो। नेक्स्ट आपको बच्चे के लिक्विड इंटेक का बहुत ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है, उसे जितना हो सके ल्यूक वार्म वाटर पिलाएं। नॉर्मली बुखार में बच्चे पानी नहीं पीते हैं, तो आप ड्रॉपर की हेल्प से लेके थोड़ा थोड़ा पानी उनके मुंह में डालिए अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो, क्योंकि ल्यूक वार्म वाटर से बॉडी के टॉक्सिन निकलते हैं जिससे टेम्परेचर बॉडी का सही रहेगा। साथ में बच्चे को लिक्विड डाइट दें, उसको अच्छे अच्छे सूप्स बना के पिलाएं, उसे ORS आप पिला सकते हो जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी परेशान है, वो कुछ भी नहीं खाएगा। सो आप लिक्विड इंटेक का पूरा केयर करें। नेक्स्ट बच्चे को एडिक्वेट रेस्ट दें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो फीवर में है तो। जितना बच्चा रेस्ट करेगा उतना जल्दी वो रिकवर करेगा। इस टाइम पे अगर आपको बच्चे के साथ थोड़ा चिल करना पड़े, थोड़ा सा टीवी देखना पड़े, बच्चे के साथ मूवीज़ देखनी पड़े, सो डेफिनेटली करें। जो उन्हें अच्छा लगता है वो करें, उससे क्या होगा उनका माइंड डाइवर्ट होगा और उनके बुखार को उतरने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें करके बच्चे का फीवर अपने आप उतर जाता है, कि आप प्रॉपर मेडिकेशन भी बच्चे को दे ही रहे हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद भी 3 से 4 दिन में अगर बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से गाइडेंस लीजिए, क्योंकि उनसे बेटर आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैं पर्सनली इन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ
एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए बहुत काम करते हैं, क्योंकि मेडिकेशन तो चलता रहेगा, बच्चे का घर पे प्रॉपर ध्यान कैसे रखना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।